स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। ये रिश्तेदार बहुत परेशान करते हैं रिजल्ट आने पर मार्क्स पूछकर। आज यही रिश्तेदार आपको मार्क्स दिलाएंगे। टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते। ओए होए होए होए, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, मेरा फेवरेट है। तो सोच लीजिए कैसे पढ़ाऊंगा, पूरे जोश और उमंग से आया हूं। इससे बेहतरीन आपने इस टॉपिक को कभी नहीं पढ़ा होगा। दोस्तों, आपके कहने पर टेलीग्राम पे चैनल बना दिया है हमारी टीम ने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। क्यों, वहां पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जा सकती है। आइए शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन। सबसे पहला हमारा नारा, कॉन्सेप्ट इज पावर। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये सीख लिया सारे सवाल कर डालोगे। तो देखिए पॉइंट नंबर वन, अब याद रखिए, चाहो तो लिख लीजिए क्या, कि जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आपसे ऊपर की जनरेशन की बात की जाएगी तो उसको आप इस तरह से इस एरो से डिनोट करेंगे। मतलब एरो ऊपर जा रहा है जब भी आपसे ऊपर की जनरेशन की बात होगी। अब ऊपर की जनरेशन में कौन कौन लोग आते हैं, उसमें आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके दादा दादी, चाचा, ताऊ, ताई, ये जितने भी हमसे बड़े रिश्ते हैं वो सब हमारी ऊपर की जनरेशन है। तो उनको हम डिनोट करेंगे अपर एरो से। क्लियर। पॉइंट नंबर टू, अब बात करते हैं हम अपनी जनरेशन की, मतलब जो हमारे साथ के लोग हैं, तो उनको हम इस तरह से एरो से डिनोट कर सकते हैं, इससे या फिर इधर से। मतलब लेवल बराबर रखना है। क्यों, जनरेशन भी तो बराबर है ना। अब इसमें कौन कौन आएगा, इसमें हम खुद आएंगे, हमारे भाई आएंगे, हमारी बहनें आएंगी, और हमारे कजन्स वगैरह जो होंगे ना, चचा ताऊ के लड़के, वो हमारी सेम जनरेशन के हैं, तो उसको हम इस साइन से डिनोट करेंगे। क्लियर हो गया आपको। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी हमसे नीचे की जनरेशन होगी तो उसको हम इस तरह से नीचे के एरो से डिनोट करेंगे। नीचे की जनरेशन मतलब नीचे कौन, हमसे छोटे लोग कौन कौन, उसमें हमारा बेटा हो सकता है, हमारी बेटी हो सकती है, और हमारे जो भाई बंधु हैं उनके बेटे बेटियां हो सकती हैं। तो वो सब हमसे छोटे हैं, हमारे नीचे की जनरेशन है, तो उसको हम नीचे की जनरेशन से डिनोट करेंगे। क्लियर। अच्छा, अब सवालों में कुछ में तो क्लियर नाम दे रखे होते हैं कि भाई रमेश सुषमा का भाई है, और या फिर सीता जो है रवि की बहन है, तो वहां तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हमें नाम से पता चल रहा है कि कौन लड़का है कौन लड़की है। क्लियर। अब कई सवाल में ना PQRS में आपको घुमाया जाता है कि P जो है वो Q की बहन है। अब P जो है वो Q की बहन है, अपने मान लो स्ट्रक्चर बना दिया। अब यहां देखकर क्या पता लगेगा कि P जो है बहन है या भाई है। तो जब भी आपको ऐसी कंफ्यूजन आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे, इसको इजी बनाएंगे कि जो भी आपका ना, जो भी आपका मेल कैरेक्टर होगा, जो भी आपका मेल कैरेक्टर होगा, उसको आप प्लस के साइन से डिनोट कर दीजिएगा, काम आसान हो जाएगा। और जो भी आपका फीमेल कैरेक्टर होगा, जो भी महिला होंगी क्वेश्चन में, जो भी लेडी होंगी, उनको आप माइनस के साइन से डिनोट कर देंगे, तो आपका काम और आसान हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमसे मान लीजिए कहा गया पी जो है ना वो क्यू की बहन है, तो याद रखने के लिए कि पी जो है वो एक फीमेल है, हम क्या कर देंगे, पी माइनस पी। अब हमें पता चल गया कि पी जो है वो एक लेडी है, एक औरत है, ये माइनस लगा के। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आइए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपको और पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि मामा मामी आए तो क्या करेंगे, ठीक है, साला या साली आए तो क्या करेंगे, या बहनोई आए तो क्या करेंगे, क्योंकि ये सब आएंगे क्वेश्चंस में। अब इनको भी हम डिनोट करना सीखेंगे इस वीडियो के एंड तक, आपको ये वीडियो देखनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी हमने सीख लिया ना, आप उसको अप्लाई करके अपने आंसर निकालेंगे। मेरे साथ क्वेश्चंस बस सीखिए। क्यों, आप मेरे साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका सीखिए। क्वेश्चन सीखेंगे सिर्फ यही क्वेश्चन कर पाएंगे, तरीका सीख लिया ना सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सवाल है कि बी क्यू का पिता है, फिर बी के केवल दो बच्चे हैं, आगे बढ़ते हैं, क्यू आर का भाई है, आर बेटी है पी की, ए पी की नवासी है, अगर एस ए का पिता है तो एस का क्यू से क्या रिश्ता है। कई सारे रिश्ते दे दिए, एक रिश्ता पूछ लिया। आप देखिए सीखे करते कैसे हैं क्वेश्चंस को, सेंटेंस वाइज आगे बढ़ेंगे। पहला सेंटेंस उठाते हैं, क्या है कि बी क्यू का पिता है, तो बी जो है ना वो पिता है, क्यू का पिता है, ऊपर की जनरेशन है, ऊपर रखेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम कि बी जो है ना वो पिता है किसका, क्यू का, और इसको क्लियर करना है, बी पिता है ना, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव का मतलब प्लस का साइन बना दीजिए, तो ये क्लियर होगा कि ये एक मेल कैरेक्टर है। आगे बढ़ते हैं, बी के केवल दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा ये हो गया और दूसरा कोई और होगा, अभी आगे हमें पता लगेगा। फिर है क्यू आर का भाई है, क्यू जो है ना वो भाई है आर का, तो सेम जनरेशन, भाई बहन बताया था ना आपको, तो इक्वल रखेंगे, तो इस तरह से आ जाएगा कि क्यू जो है ना वो भाई है,
और क्लियर करना है, यहाँ पर आप प्लस लगा दीजिए छोटा सा, आप पता चल जाएगा ये कि मेल कैरेक्टर है, भाई है आर का। आर का जेंडर अभी नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। आर बेटी है पी की, अब पता चल गया आर जो है ना वो बेटी है, किसकी बेटी है, पी की। तो आर जो है यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, बेटी है फीमेल कैरेक्टर है, ये बेटी है पी की, तो इसकी जो माँ है वो पी है, और पी माँ है तो ऊपर हमने बनाया इसलिए ऊपर गए, और पी माँ है तो इसीलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव मतलब माइनस का साइन भी लगा दिया कि भाई पी जो है वो एक फीमेल कैरेक्टर है। सब क्लियर हो रहा है। अच्छा अब एक बात समझिए, बी के दो ही बच्चे थे और आर की जो मम्मी है मदर है वो पी है, तो पी इसकी भी मदर होगी और इसका जो फादर है वो ये है, इसका मतलब ये दोनों आपस में मैरिड कपल हैं, शादीशुदा है। अब जब भी मैरिड कपल आए तो क्या करेंगे, ये तो हमने कॉन्सेप्ट में नहीं बताया आपको, तो जब भी सवाल में कोई मैरिड कपल हो उसको आप डिनोट करने के लिए, उसको याद रखने के लिए ना, आप उनके बीच में ऐसे बड़ा सा प्लस लगा सकते हैं कि ये जुड़े हुए हैं, भाई इनका रिश्ता मजबूत है, ये आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर यहाँ तक आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे कहा गया कि ए पी की नवासी है, तो ए जो है ना वो पी की नवासी है, नवासी होती है बेटी की बेटी, तो पी की बेटी आर, आर की बेटी ये आ गई ए, यहाँ पर ए जो है वो नवासी है। अच्छा ये नवासी है मतलब लड़की है, फीमेल कैरेक्टर है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे अपना याद रखने के लिए, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर एस ए का पिता है, अगर एस जो है वो ए का पिता, मतलब पिता कौन, मम्मी का हस्बैंड, तो ए की मम्मी आर है, आर का हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड के लिए हमने लगाया प्लस, वो जो है एस है और एस जो है वो हस्बैंड है, तो याद रखने के लिए हम यहाँ प्लस लगा देंगे। तो यदि एस ए का पिता है, अगर एस जो है वो ए का पिता है, तो एस का क्यू से क्या रिश्ता है ये बताना है। पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं हो सकती। यहाँ पर देखिए सब कुछ क्लियर है कि कौन मेल है, कौन फीमेल है, कौन किसका बेटा है, और कौन किसकी माँ है, कौन किसकी नवासी है, सब कुछ क्लियर है हमारे पास, सारे साइंस है। अब देखते हैं सवाल का आंसर कि एस का क्यू से क्या रिश्ता है। देखिए एस का रिश्ता बताना है क्यू से, ठीक है, एस जो है वो कौन है, क्यू का वो बहनोई है, हिंदी में अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बहनोई, क्यों, वो आर इसकी बहन है और बहन का हस्बैंड कौन हो गया, बहनोई हो गया, और बहनोई को इंग्लिश में हम ऑप्शन में देखेंगे तो ब्रदर इन लॉ, इससे हम डिनोट करेंगे कौन है वो, कानून के हिसाब से हमारा भाई है, ब्रदर इन लॉ, तो इसका सही आंसर होगा ब्रदर इन लॉ। बहुत डीपली मैंने आपको पूरा एक एक बिल्कुल पर छक्के उड़ा दिए, इसके एक एक चीज बिल्कुल खोल दी कि सब कुछ क्या होता है। आइए अगला सवाल करते हैं और उसमें कुछ और नया रिश्ता आएगा। दोस्तों हर एक सवाल में नया कॉन्सेप्ट है, पूरी वीडियो देखना मेरे साथ। तो यहाँ पर है कि रघु और बाबू जुड़वा हैं, दे आर ट्विंस। आगे है कि बाबू की बहन रीमा है, रीमा के पति राजन है, रघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति राजेश है। बहुत सारे रिश्ते हमें दे दिए। फिर हमसे कहा गया कि राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। अब आप सीख चुके हैं अटेम्प्ट करना, क्या करना है, सेंटेंस वाइज स्टार्ट करना है, आइए करते हैं। तो यहाँ पर पहला है कि रघु और बाबू जुड़वा है, रघु बाबू जुड़वा है, सेम जनरेशन है, बराबर लेवल हम रखेंगे। तो यहाँ पर मैं रघु को आर से डिनोट कर रहा हूँ, ये आ गए आर फॉर रघु, और दूसरे आ गए हमारे बाबू, सेम हमारा लेवल रहेगा, ये दोनों जुड़वा भाई हैं। फिर हमसे कहा गया है कि बाबू की बहन रीमा है, ये बाबू हैं, इनकी बहन, बहन भी क्या है, सेम जनरेशन है, तो लेवल हमारा बराबर रहेगा, तो बहन के लिए यहीं पर हम बराबर रख के, ये आ गई हमारी रीमा जी, ठीक है, इनकी बहन। फिर हमसे कहा गया कि रीमा के पति राजन है। अब हमें पता है कि जब भी मैरिड कपल आए तो उसको हम बड़े प्लस के निशान से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हम रीमा के साथ जोड़ के लिख देते हैं राजन को कि भाई ये एक विवाहित दंपत्ति है, मैरिड कपल है, शादीशुदा है दोनों आपस में। रघु की माँ लक्ष्मी है, ये रघु है, माँ बड़ी है, ठीक है, तो ऊपर जाएंगे हम, तो रघु की माँ ऊपर ले गए हम यहाँ पर, ये आ गई लक्ष्मी जी ऊपर। अब कॉन्सेप्ट मिला, ये रिश्ते जोड़िए, देखिए लक्ष्मी इनकी माँ है और ये तीनों आपस में भाई बहन है, तो लक्ष्मी इनकी भी माँ होंगी और रीमा की भी माँ होंगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हमसे कहा गया कि लक्ष्मी के पति राजेश हैं, लक्ष्मी के पति, बहुत आसान सीख चुके हैं, वहाँ सही बताया आपने कि प्लस करके हम राजेश का नाम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आ गए सब कुछ अब क्लियर, ठीक है, ये जोड़ा है, ये इनके तीन बच्चे हैं और ये इस लड़की के हस्बैंड है राजन जी। हमसे कहा है कि राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। अब देखिए कॉन्सेप्ट, हमारी गलती यहाँ पर हो जाती है, क्या करते हैं बच्चे की रिश्ता समझने में गलती कर देते हैं कि किसका किससे पूछा है। देखिए यहाँ पर ना राजेश का राजन से पूछा है, राजेश का पूछा है कि राजेश क्या है राजन का,
राजेश क्या है राजन का, तो राजेश जो है ना वो राजन के ससुर जी होंगे। क्यों होंगे, देखिए राजन की जो वाइफ है और उनके फादर राजेश हैं, तो हमारी वाइफ मतलब जिस आपकी वाइफ या जिसकी वाइफ वाइफ के जो फादर होंगे वो कौन होंगे, वो ससुर जी कहलाते हैं और उसको हम फादर इन लॉ कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी फादर इन लॉ जो है वो सही आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप सॉल्व करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट दोस्तों। मामा आएगा तो क्या करेंगे आप, मामा को कैसे दिखाएंगे, वो ये सवाल हमें बताएगा। देखिए सवाल है कि सुनील केशव का बेटा है, सिमरन जो कि केशव की बहन है उसका एक बेटा मारुति और एक बेटी सीता है, प्रेम मारुति का मामा है। आ गए मामा जी, सुनील का मारुति से क्या रिश्ता है। आइए आप सीख चुके हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, ये सवाल ट्राई कीजिए। आई अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। सुनील से ही शुरू करते हैं। सुनील जो है वो केशव का बेटा है, सुनील बेटा है, नीचे है, छोटा है, नीचे आएगा, तो सुनील केशव का बेटा है। तो केशव को मैं शॉर्ट में लिख रहता हूँ केएसवी। केशव का जो बेटा है वो सुनील है, SNL मैंने लिख दिया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। केशव का बेटा जो है वो सुनील है, सिमरन जो कि केशव की बहन है, बहन है, सेम जनरेशन, इक्वल लेवल रहेगा किसके साथ, केशव के साथ। केशव की बहन कौन है हमारी, यहाँ पर सिमरन है जी, तो ये आ गई हमारी सिमरन। सिमरन जो है वो केशव की बहन है, ये आ गई। उसके बाद हमसे कहा गया उसका, ये उसका जो यूज़ हुआ है ये सिमरन के लिए हुआ है, ध्यान रखना ये सिमरन के लिए हुआ है। उसका एक बेटा मारुति और एक बेटी सीता है, मतलब ये सिमरन का एक बेटा है मारुति, ठीक है, MRTI लिख रहा हूँ मैं मारुति के लिए, और एक बेटी है उसकी सीता, SITA, ये मैंने सीता लिख दिया। सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। हमसे आगे कहा गया कि प्रेम मारुति का मामा है, अब मामा को कैसे दिखाएंगे। देखिए मामा कौन होता है, मामा होते हैं हमारी मदर के भाई, जो हमारी मदर होंगी, माता जी होंगी, उनके भाई जो होते हैं वो मामा होते हैं। तो किसका मामा है, प्रेम जो है ना वो मारुति का मामा है, तो मारुति की मम्मी सिमरन, सिमरन का जो भाई होगा वो मामा होगा, तो सिमरन का भाई सेम लेवल रहेगा क्योंकि भाई है, तो ये आ गए प्रेम हमारे यहाँ पर जी, ठीक है। मारुति का बहन, उनकी मम्मी के भाई जो है वो प्रेम है, और जो प्रेम है वो मारुति का मामा है। अब यहाँ से कंक्लूजन्स निकालिए, देखिए प्रेम जो है वो सिमरन का भाई है, और जो सिमरन है वो केशव की बहन है, इसका मतलब केशव और प्रेम आपस में भाई हैं, ये तीनों भाई बहन है, सेम जनरेशन है, भाई बहन ही होते हैं, आपको बताया था मैंने। अब आगे देखते हैं सवाल क्या है कि सुनील का मारुति से क्या रिश्ता है, ये जो सुनील यहाँ पर है इसका इस मारुति से रिश्ता बताना है। तो अब तो आंसर आपके सामने आ चुका है, आप समझ गए हो क्या होगा। देखिए पहली बात तो ये दोनों सेम जनरेशन में आ रहे हैं, तो सेम जनरेशन में कौन कौन होता है, या तो हमारे भाई होते हैं, बहन होते हैं, हमारे कज़न होते हैं, चाचा ताऊ के लड़के जैसा मैंने आपको बताया था। तो देखिए ये सुनील हैं और ये मारुति हैं, तो ये आपस में कज़न होंगे, क्योंकि इनके जो वो हैं, इनके जो बड़े हैं ना वो रिश्तेदार हैं, तो आपस में ये दोनों क्या होंगे, ये कज़न होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, कज़न इसका सही आंसर होगा, कि उनके बीच में जो कज़न का रिश्ता है। आइए अगले सवाल में कुछ और चेंज है, बिल्कुल बंधे रहिए मेरे साथ, एक सवाल और करते हैं। टाइप ही चेंज कर दी हमने, और सबसे ज़्यादा गलतियाँ बच्चे इसी टाइप में करते हैं, और यही एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हैं, तो बहुत ध्यान से बिना पलक झपकाए समझना। सवाल यहाँ पर है कि एक व्यक्ति ने महिला से कहा, एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, क्या कहा, कि तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है। तो उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या रिश्ता है, आप सवाल डायरेक्ट नहीं है कि उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, उस व्यक्ति की पत्नी से क्या रिश्ता है, ये हमें बताना है, बहुत ध्यान से समझना। देखिए शुरू करते हैं यहाँ पर, कि उस व्यक्ति ने महिला से कहा, क्या कहा, कि तुम्हारे भाई का एक लौता बेटा, यहीं से सवाल उठाएंगे हम। तो उस लेडी से उसने कहा, ये लेडी है यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेडी से उसने कहा कि तुम्हारे भाई का एक लौता बेटा, कि तुम्हारा भाई, भाई सेम जनरेशन अब तो सीख ही गए होंगे, बार बार क्या रिपीट कर रहा हूं मैं। तो लेडी का जो भाई है यहां पर हम लिख देते हैं ब्रोदर, ठीक है, उस लेडी के भाई का इकलौता बेटा, इतनी बात हमसे कही अभी, कि तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, वो क्या है, वो मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का नहीं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी, उस व्यक्ति की पत्नी का, तो उस व्यक्ति की पत्नी का भाई है, ये जो बंदा है ना, ये सन है उस व्यक्ति की, यहां पर मैं लिख देता हूं मैन, उस व्यक्ति की पत्नी, पत्नी के लिए मैं प्लस का निशान लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया W फॉर वाइफ, उस व्यक्ति की पत्नी का भाई है।
जरा सी भी गलती हो जाएगी ना, सवाल गलत हो जाएगा, पूरा पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया आपका। बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। तो देखिए, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी वाइफ का भाई है, सब कुछ क्लियर। हमसे कहा है कि उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या रिश्ता है, मतलब ये जो लेडी है महिला, उसका उस व्यक्ति की वाइफ से क्या रिश्ता है। अब देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट निकालिए, अब एक पॉइंट और है इसमें। देखिए ये जो है ब्रदर जो है वो, मतलब इसके जो फादर हैं ये ऊपर है ना, तो फादर है, ये दोनों भाई बहन है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इस लेडी का भाई है ना वो इस वाइफ का भी फादर होगा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है ना, जब ये इनका फादर है तो ये इनका भी फादर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेडी कौन हुई, ये लेडी हुई इनके फादर की बहन, वाइफ के फादर की बहन, और फादर की हमारे पापा की बहन कौन होती है, हमारी मौसी होती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आंटी होंगी, वो हमारी मौसी होंगी, हमारे फादर की बहन होंगी। देखा कितना मज़ेदार सवाल था। आइए एक सवाल और लेते हैं कुछ इसी तरह। आप डियर सर से फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर लीजिएगा, और मुझसे अगर डायरेक्ट जुड़ना है नीचे इंस्टाग्राम की आईडी मैंने अपनी डाल दी है, छुपके से ऐड हो जाना, किसी को मत बताना, आपके लिए स्पेशल। आइए अब अगला सवाल देखते हैं, इस सवाल का आंसर देख के आप चौंक जाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए सवाल क्या है कि अगर नेहा कहती हैं, नेहा ने कुछ कह दिया, क्या कह दिया कि रानी के पिता राज मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, तो क्या कि बिंदु, अच्छा ये नया पर्सन आ गया, बिंदु जो कि रानी की बहन है का महेश से रिश्ता बताना है। बहुत ज़्यादा घुमा दिया यहाँ पर कि तो बिंदु जो कि रानी की बहन है का महेश से रिश्ता बताइए। हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, अवश्य बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं इसी सवाल से, शुरू से, रानी के पिता राज, आइए रानी के पिता राज, तो यहाँ पर हमने बनाई रानी, रानी के पिता बड़े हैं, ऊपर जाएगा, बार बार क्यों बता रहा हूँ मैं आपको पता ही है, रानी के पिता जो है वो राज हैं। अब आगे क्या कहा कि वो मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, अच्छा ये जो राज है ना ये महेश के इकलौते बेटे हैं, तो मैं यहाँ पर डस्टर लूँगा क्योंकि ऊपर जगह नहीं बची और मुझे ऊपर जाना है, तो यहाँ पर मैं डस्टर लेके इसको दोबारा से बना लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे करके ये रानी आ गई, और रानी के बाद रानी के जो पिता हैं राज, ठीक है, ये महेश के इकलौते बेटे हैं, तो इनके भी फादर हैं महेश, तो वो और ऊपर जाएंगे, तो हमने और ऊपर हम ले गए इनको, किनको, महेश जी को। अच्छा अब ये महेश कौन है, ये महेश जो है ना ये मेरे ससुर हैं, मतलब नेहा के ससुर हैं। ससुर कौन होता है, हस्बैंड के फादर होते हैं, और हस्बैंड यहाँ पर आप देखिए कौन है, ये हमें यहाँ से क्रक्स निकालना है सवाल का, ये जिसने कर लिया उसका सही होगा। देखिए सवाल में एक हिंट है कि वो इकलौता बेटा है राज जो है, और वो कह रही है कि वो मेरे ससुर हैं, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो नेहा है ना वो इनकी वाइफ हैं, ये कंक्लूजन निकला यहाँ से, क्योंकि एक लोते बैठे ही तो हैं और ये नेहा के ससुर अभी बनेंगे, क्योंकि जब नेहा इनकी वाइफ बनेंगी तो ये नेहा के हस्बैंड होगा, हस्बैंड के जो फादर होते हैं वो ससुर जी होते हैं। अब कुछ और बाकी है क्या, आज यहाँ आगे बढ़ते हैं, तो बिंदु जो कि रानी की बहन है, अब बिंदु है रानी की बहन, तो बहन सेम लेवल, ठीक है, ये आ गई बराबर में बिंदु। अच्छा अब एक बात और सीखिए यहाँ पर, ये दोनों जो है वो मैरिड कपल हैं, जब राज की बेटी रानी है तो नेहा की बेटी भी रानी होंगी, और जब रानी की बहन बिंदु है तो बिंदु जो है वो इन दोनों की भी बेटी होंगी, मतलब ये दोनों मैरिड कपल है और इनकी ये दो बेटियां हैं। ये देखिए सब कुछ क्लियर होगा आपको, सब कुछ अगर आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ के आए हैं। अब क्या हमसे पूछा है कि तो जो बिंदु जो कि रानी की बहन है का महेश से रिश्ता बताइए, मतलब इस बिंदु का महेश से रिश्ता बताना है। तो बिंदु कौन है जी, महेश की ना, बिंदु कौन होंगी, महेश के बेटे की बेटी है, मतलब बिंदु जो है ना वो पोती है महेश की, पोती, आंसर मिल गया हमें, आंसर देख लीजिए यहाँ पर क्या है, पोती का तो आंसर ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर बेटी है, वाइफ है, डॉटर इन लॉ है और नीस है, तो हम यहाँ पर जाएंगे नन ऑफ दीस के साथ कि इनमें से कोई नहीं, ये भी आंसर हो सकता है। तो आप जबरदस्ती रिश्ते मत लगाने लगना, जबरदस्ती के नहीं बिठाना ये कुछ रिश्ता कुछ आएगा, भाई जरूरी नहीं है, नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है। ये आपको कब कंफर्म होगा, अगर आपने बिल्कुल लॉजिकली हमारे साथ सीखा है किस तरह से हम एक एक चीज को सीखते आए, पूरी वीडियो हमने कंप्लीट करी है यहाँ तक, तो आपको क्या करना है,
इस वीडियो को आप लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। मैंने बहुत उम्मीद बहुत मेहनत से पढ़ाया है और मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट योर लॉजिक्स, आपके लॉजिक ही है रीजनिंग में, कुछ और नया नहीं है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे यहाँ तक आए ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो पूरी देखी और बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको सीख चुके हैं। प्रैक्टिस आपको करनी है, क्वेश्चन दे दूँ, टेलीग्राम पर आपके लिए ग्रुप बनाया ना, चैनल बनाया है, वहाँ पर इसकी PDF प्रोवाइड कर दी है। आप टेलीग्राम पर जाइए, नीचे लिंक है, वहाँ पर इसका प्रैक्टिस सेट हमने दे दिए, 20-22-25 क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व कर लीजिए, फिर देखिए आप ब्लड रिलेशन क्या रहता है, खूनी रिश्तों का खून कर दोगे एग्जाम में जाकर, आप सच बता रहा हूँ। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।